सूर्योदय नहीं पूर्व, होना चाहिए जी, सूर्योदय से पूर्व यदि आ जाएगी संजीवनी तो नश्वर जी जीवित हो सकते। जी जी जी, सुषेण वैद्य ने जो बताया उसके अनुसार श्री हनुमान जी जाते हैं और किसी तरह से अपना संजीवनी ले आते टाइम के अंदर। जी जी जी, और तुरंत वैद्य तब कीन उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाय। जी जी जी, ये हुआ काय चिकित्सा। हर्ष राम उठ भेटू भ्राता। और इसके बाद कपि पुनः वैद्य तहां पहुंचावा जे प्रकार ले आवा। जी जी जी, तो मतलब कहने का यह है कि ये चिकित्सा हुई, इसको हम कहेंगे काय चिकित्सा। इसको हम कहते हैं इमरजेंसी चिकित्सा, कि इमरजेंसी की एक ऐसी जड़ी बूटी थी कि मतलब कोई मर रहा हो और जरा सा पिला दो तो वो तुरंत जिंदा हो जाए। तो जैसे हम इमरजेंसी हॉस्पिटल भर्ती करवाते हैं तो हम इसको ऐसा लेते हैं। तो इसको हम लेते हैं अष्टांगार में पहला जी काय चिकित्सा। जी जी जी, हुई काय चिकित्सा। जी जी जी, भूत विद्या। जी जी जी, अब आता है नंबर दो भूत विद्या। बातुल भूत विवश बतवारे ते नहीं बोले बचन विचार। जिनकृत महामोहबत पाना दिलकर कहा करिए नहीं करना। इसकी चिकित्सा क्या है? जिसको भूत लग गया हो, भूत के असर से प्रभाव से अंडरगत प्रलाप कर रहा हो, उसका क्या इलाज है? अनशन बक रहा है, बकले दो लेकर कहा करिए नहीं करना। उस पर ध्यान ओवरलुक कर दो उसे, उस पर कोई ध्यान मत दो, स्वतः अपने आप ही वो शांत हो जाएगा। ये हुई भूत चिकित्सा। चिकित्सा भूत विद्या। कौमार वृत्त। कौमार वृत्त कहते हैं जब बच्चा जन्मता है, जन्म को उसके थोड़े से दिनों तक जब तक बिल्कुल शिशु रहता है, पूरी उस सेवा जो होती है उसकी, तब तक उसकी जो लाल पाल किया जाता जी, है जी, जी, जी। टोना टमना मामूली औषधियां देना जी, 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 जैसे हियर हर नकत सोबारूरी बाघम बाघ राघुन डाल दिया गले में राम जी। तो ये चारों भाइयों की ये लालन पालन हुआ जिस विधि से, उसका नाम है कौमार वृत्त। जी जी जी, अब कहते हैं अगत तंत्र चिकित्सा। अगत माने विष के हैं, विष चिकित्सा वो क्या है? लोग वियोग विषम विष दागे मंत्र सभी सुनत जागे। जब वनवास हो गया, भरत जी लौट के आए, उन्होंने देखा कि राम भैया घर पर ही नहीं, वनवास हो चुका है, दशरथ जी वरण हो चुका है। तो उस समय क्या स्थिति थी अयोध्या वासियों की? विषम विष से दग्ध हो रहे थे। जी जी जी, राम वियोग विषम विष जागे। जी जी जी, और मंत्र सभी जो सुनत जागे। हाँ, वो सभी मंत्र कौन सा था? मीटिंग हुई, दरबार हुआ। हाँ, महाराज के यहाँ वशिष्ठ जी की उपस्थिति में जब दरबार हुआ, अंत में निर्णय क्या लेते हैं भरत जी के? प्रातः काल चले हो प्रभुवा। एक ही यहाँ की यही मनमाही, प्रातः काल चले हो प्रभुवा। तो जो लोग विषम विष मंत्र से, वो जो दग्ध विष से दग्ध हो रहे थे, उनको ये ऐसा बीज मंत्र मिल गया कि सुबह जो जाएंगे तो हमें भी जाने का अवसर मिलेगा और हम भगवान के दर्शन हम भी कर लेंगे। तो ये एक जो है सभी मंत्र हुआ, कौन सा? कि प्रातः काल चले हो प्रभु। तो ये हुई कौन सी? अगर तंत्र चिकित्सा, विष चिकित्सा। अब इसके आता है रसायन तंत्र चिकित्सा। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से राम लक्ष्मण को मांग के ले चले अपने यज्ञ की रक्षा करना। अब रास्ते में जाते हैं तो चले जा तो बोले दीन दिखाई ताड़ का क्रोध कर दाई, एक ही बार प्राण लीना और दीन जानते निज पद दीना। जी जी जी, भगवान श्री राम ने जैसे ही ताड़ का आई देख करके कि आ रहे हैं राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ, तो उन्होंने क्या काम किया? एक ही बाण से उनका प्राण हरण कर दिया। जी जी जी, और अपना मुक्ति पद भी दे दिया। सबसे बड़ी बात दे दिया जी। तब जो है तबर ऋषि निज नाथ है जी चीनी विद्या को विद्या दी। विश्वामित्र जी ने देख लिया कि मेरे नाथ भगवान श्री राम वास्तव में वही है जो मैं सोच रहा था। उन्होंने कहा इससे तो हमें आगे बड़ा काम लेना है, आगे साक्षात उसका संघार ये करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि इनको कुछ ऐसा चीज दे दिया जाए जिसको कहते हैं टॉनिक। कौन सा टॉनिक दिया? बला अत्वला विद्या। तबरे छोटे जी नाते हैं जी चीनी विद्या ने देखो विद्या दीनी। क्या विद्या देते हैं? कि जाते लागन सुधा पिपासा अतुलित बलतर तेज प्रकाश। वो बला अत्वला विद्या कैसी थी?
खीर की प्राप्त करने से, इनके सेवन करने से तो प्यास लगती थी, भूख लगती थी और शरीर के अंदर अत्यंत बल और तेज की वृद्धि होती थी। इसको कहेंगे हम क्या? रसायन तंत्र। अब इसके बाद आता है बाजीकरण तंत्र। ये भी मानस में हमको मिलता है, ध्यान देंगे जरा। महाराज दशरथ की तीन रानियां थी और बहुत काल तक प्रतीक्षा करते करते भी जब उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई जी, तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सब यज्ञ करावा, भगत सहित आवती ने पलटे अग्नि चरु कर ली। वो चरु क्या था? हविष्यान। वो क्या था तो रानियों को जो खिलाया गया वो बाजीकरण औषधि थी। बाजीकरण औषधि किसे कहते हैं? जिसके सेवन से नपुंसक पुरुष और बाज स्त्रियों के संतान पैदा हो जाते। इसके सेवन से तो ये हविष्यान कुछ और नहीं था, ये एक औषधि जो उनके खाने से वो गर्भवती हुई रानियां और उनके चार पुत्र पैदा हुए। ये हुआ आपका बाजीगर तंत्र। अब हो गया आपके कौन कौन से? काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार व्रत, अगर तंत्र, साधन तंत्र, बाजीगर तंत्र, छह हो गए। अब इसके बाद आता है शालक। शालक की चिकित्सा क्या होती है? जैसे डॉक्टर लोग जो है किसी की नाक में, कान में, आंख में, गुदा में, बूत्रेंद्रिय में कोई चीज अटकाव ले जाती है तो सलाई डालता है डॉक्टर और उस रोग को शमन करता है। सलाइन चिकित्सक मतलब यह कि जैसे अपना जो काट काट फीड है, जैसे कहीं सर्जरी किया जाए, सर्जरी से सलाह के अलग है, शल अलग है। अभी तो हम शाला का वर्णन कर रहे हैं, शल का बाद में लेंगे। अच्छा अच्छा, तो शाला के में क्या आता है जो मैंने अभी बताया कि हमारी आंख कान नाक गुदा भू गला मूत्र इसमें कोई चीज अटकाव हो जाता है तो डॉक्टर सलाई डालता है, सलाई से उस रोग को शमन करता है। अब ये कहाँ हुआ है? अब आइए आपको चित्रकूट पर ले चलते हैं। जब राम और अपनी भारिया का श्रृंगार कर रहे थे फूलों के गजरे बजाय बना करके, और इंद्र का बेटा जयंता ये सब करते देख रहा था, तो उसके मन में मोह उत्पन्न हुआ। भाई मेरे समझ में तो नहीं आता कि राम है साधारण पुरुषों की बात अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं सभी फूलों से। उसे मोह हो गया और उसने क्या काम किया कि तुरंत आके सीता चरण चौचत भागा, तो चला रुद्र रघुनायक जाना सीख धनुष एक सिद्धाना। वो सरकंडे का बाण नहीं था, एक सरकंडा उठा करके उन्होंने अभिमंत्रित करके छोड़ दिया और वो लग गया जयंत के पीछे। एक वर्ष तक भ्रमण करता रहा, एक वर्ष तक उस बाण ने सरकंडे ने पीछा किया और अंत में जब निराश हो गया, हर जगह गया, किसी ने उसको बैठने तक कोई शरण नहीं दी, अंत में निराश होकर जब नारद देखा विकल जयंत था, नारद जी से भेंट हुई और नारद जी क्या थे? बहुत बड़े संत थे। संत तरस पातक टरी, संत के दर्शन से जयंत ने जो पाप किया था वो पातक टर गया और वो पठवा तो राम पहता ही कई प्रकार पड़त हित पाई, राम के पास वापस लौट के आया, त्रायमाम प्रभु मुझे क्षमा कर, उसे बड़ा अपराध हो गया। तो उसने ऐसा पाप किया था कि उसको मार देना ही उचित था, फिर बड़े कृपालु हुए भगवान, उन्होंने दया करके सुन कृपाल गति आरत बानी एक नयन कर तजा भवानी, उसी सरकंडे के बाण से उसका एक नेत्र फोड़ दिया, निकाल दिया, जो दृष्टि दोष था उसको दूर कर दिया। तो ये हुई आपकी शाला की चिकित्सा। अब आती है शल्य चिकित्सा, जिसको सर्जरी कहते हैं। अब सर्जरी देखिए, रावण था, सुपर्णखा थी, सुपर्णखा को कामरोग हुआ था, कामरोग को उन्होंने जो है नाक कान काट के सर्जरी करके उसका दूर किया। क्यों? कि रूपा बना देना स्त्री का ही, ये सुंदर रूप ही तो काम का कारण होता है, तो उन्होंने सर्जरी कर दी, नाक कान काट दिए, रूपा बना दिया और उसका जो है जो दृष्टि दोष था, रोग था, काम रोग, वो दूर हो गया सुपर्णखा का। अब आता है नंबर रावण का। रावण को भी जो है एक तो त्रिदोष हुआ था, जी जी जी। बात पित्त कफ,
तीनों का संयोग होता है, हो गया। इसको कहते हैं त्रिदोष। इसको ही रहने दो बेटा, इसी में रहते हैं। जी। काम बात कफ लोभ अपारा जी। क्रोध पित्र छाती जा रहा, प्रीत करे जब तीरो भाई, उपजे सन्न पात तो जय। तो रावण को त्रिदोष उत्पन्न हुआ था, एक तो त्रिदोष का रोग था, एक दूसरे रावण को और ग्रसित था अहंकार डबरुआ। जी जी जी, डबरुआ रोग जैसे कैंसर कहते हैं आज, आज की भाषा में से कैंसर कहते हैं इसको, वैद्य कहते हैं डबरुआ। तो रावण को कैंसर हुआ था, काय का कैंसर था, अहंकार बेचारों का जी, अहंकार, अहंकार का नाम है कैंसर डबरुआ। अब उसे देखा भगवान ने कि इसका जो है ये रोग मुझे दूर करना है, तो पहले तो साधारण वैद्यों का उपचार किया गया, मंदोदरी, बाल्यवान, हनुमान और आपके मारीच, कालेम आदि आदि बहुतों ने उसको समझाया, चिकित्सा की, लेकिन रोग नहीं गया। हम मानेंगे मारीच ने भी बहुत समझाया, गया जो जो दवा की। जब रोग काबू से बाहर हो गया, भगवान ने अपना धनुष बाण उठाया, उनके सिर और बाहु भुजाए अलग करने लगे। सिर और बाहु बार बहु है, कटत झटित पुनर्नूतन है, कट जाते थे और फिर दोबारा नहीं हो जाते थे। इस प्रकार करते करते बहुत टाइम हो गया भगवान को, तो भीषण कंपाउंडर जो थे उनकी तरफ देखने लगे भगवान, क्यों ऐसा होता है जब डॉक्टर से कोई पेशेंट नहीं जाती तो कंपाउंडर देखते, भैया तुम्हें कुछ सलाह दे आके, ये हमारा सर्जरी सफल क्यों नहीं हो रही है। तो राम अभी भीषण तल तब देखा, भीषण की कंपाउंडर की तरफ देखने लगे राम, डॉक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी भगवान श्री राम, विभीषण की तरफ देखने लगे। विभीषण समझ गया भगवान क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा भगवान इसकी नाभि के अंदर एक जहरीला पदार्थ है, अमृत को मैं जहरीला पदार्थ कह रहा हूँ, ऐसा जहरीला पदार्थ है कि आपकी शल्य क्रिया को सफल नहीं होने दे रहा है, इसलिए प्रभु एक इंजेक्शन लगा दो ताकि ये जहर जो खत्म हो जाए तुरंत आपको सफलता मिल जाएगी। तो सहायक एक नाभिसर सोखा, एक बाण से अग्नि बाण से उनका जो है अमृत का जो कुंड था इसको विभीषण जी जहर बता रहे हैं वो खत्म किया। उसके बाद 20 बाण संधान किए, 30 बाण 20 सिरों की भुजाओं के लिए और 10 सिरों के लिए, 10 सिरों के लिए 30 बाण संधान किए और भुजाएं और शीश अलग काट दिए और उनकी मृत्यु हो गई। उपचार तो किया, शल्य चिकित्सा तो सफल हुई, लेकिन रोगी मर गया। और ऐसा कभी कभी होता भी है, कोई 100% थोड़ी बहुत बच जाते हैं सर्जरी वाले। नहीं तो अगर उसका मन सुधर जाता तो बार बार उसे काटने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो सुधर नहीं रहा था, इसीलिए जरूरत जी मर गया बेचारा, रोग ठीक हो रहे ना मिल रहा। तो ये हमारे हमने आयुर्वेद के अष्टांग आयुर्वेद को रामायण में से निकाला है, ये नए नए चिंतन का प्रभाव है।